अभी तक फॉर मी साउथ कोरिया एंड जापान आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू गो एंड वर्क. तो भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोरियन एजुकेशन के ऊपर. आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, आप अपने ओन पे आते हो तो उसका क्या सीन होता है. इस वीडियो में भी हम साउथ कोरिया पे ही बात करेंगे, लेकिन एजुकेशनल वाइज नहीं, हम वर्क वीज़े के लिहाज से बात करेंगे कि वर्क वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से आते हो, साउथ एशियन कंट्री से आते हो, तो कोरिया में वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वहाँ पे वर्क वीज़ा आने के बाद जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है. तो दोबारा से माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई एंड अस्सलाम वालेकुम द मुनीब भाई यूट्यूब फैमिली. वालेकुम. सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं बैठा हुआ पाकिस्तान में, ठीक है, मैंने एक डिग्री कर ली है, मैंने बैचलर्स कर ली है, अब मुझे तलाश है जॉब की, और जॉब में थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी लेना चाह रहा हूँ, बाहर भी सेटल होना चाह रहा हूँ. अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए मुझे वर्क वीज़ा चाहिए, ठीक है. तो अब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए वर्क वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, उसकी कुछ जनरल जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू नो, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग हैं जो ऑफकोर्स जिन्होंने कुछ पढ़े लिखे होते हैं, बैचलर्स वगैरह कर लिए होते हैं, मास्टर्स कर लिए होते हैं, वो भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं, लाइक मेजॉरिटी ऐसी है बेसिकली, लाइक जिन्होंने लाइक मैट्रिक किया हुआ है या मैट्रिक लाइक इतने पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक या FSC किया है, FA किया है, तो वो भी खैर उनके भी ड्रीम्स होते हैं बाहर जाके पैसे कमाना. तो मैं आपको दोनों कैटेगरीज़ के बारे में बताता हूँ, दोनों कैटेगरीज़ के वर्क वीज़ा फॉर साउथ कोरिया. तो पहले बात करते हैं कि वो लोग जिन्होंने मैट्रिक किया है या ट्रैवल मैंने काफ़ी किया है. मैं अपना क्या कहते हैं, अपने वो मियाँ मिठू नहीं बनूंगा, बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई हैव बीन टू 21 कंट्रीज़, 21 मुल्कों में गया हूँ. लेकिन ये दो कंट्रीज़ जो है ना, उसके अंदर वर्क करने की जो कंडीशंस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं. जर्मनी का इंशाल्लाह बाद में मैं मुनीब भाई से पूछूंगा, लेकिन अभी तक फॉर मी साउथ कोरिया एंड जापान आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ टू गो एंड वर्क. ऐसा हो सकता है आपको अमेरिका में ज़्यादा कमाया जा सके या यू नो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कमाया जा सके, लेकिन दूसरी चीज़ होती है रिस्पेक्ट. तो इन दो कंट्रीज़ के अंदर आप पैसा भी डेफिनेटली कमाते हो और आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है. यार आपके जितने आपके राइट है ना, वो किसी और कंट्री जो और कोरियन होगा जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा उसके भी सेम राइट होंगे. अगर आपको सैलरी 10 तारीख को मिल रही है तो उसको भी 10 तारीख को मिलेगी. और आपको एक दिन के लिए लेट हो गया, पहले तो होती नहीं है, लेकिन इफ़ देर का हैपन्स लाइक समथिंग कि आपको एक दिन के लिए लेट है तो सबकी लेट होगी. और यू कैन, और आपको कोई फड्डा हुआ है तो आप पुलिस में जाके बंदे को मालिक को अंदर भी करा सकते हो. तो राइट्स और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है कोरिया में, इसलिए पहले तो ये तो सोच लो यार, कोरिया और जापान काम करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. दूसरी बात करते हैं कि यार जो लोग आना चाह रहे हैं, मज़े की बात है कि कोरिया जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए उनका एक है वर्क परमिट, एक सिस्टम है कि कोरिया की गवर्नमेंट का पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक क्या कहते हैं कोलेबोरेशन हुई है, एक मुआहदा हुआ है, और हर साल ऑलमोस्ट लाइक यू नो 1000 पीपल ऊपर नीचे होते रहते हैं, 1000 प्लस माइनस लोग जो है ना पाकिस्तान से आते हैं कोरिया, जो कि यहाँ पर आके काम करते हैं. यार कोरिया जो है ना वो सऊदी अरेबिया या दुबई जैसा कंट्री तो है नहीं कि आपको वो क्या कहते हैं कोई बंदा वीज़ा भी देगा और आप वहाँ पे जाके चले आओगे और आपका पासपोर्ट किसी क्या कहते हैं किसी अरबी के पास होगा, इस टाइप का सीन नहीं है. दोनों कंट्रीज़ के माहदे हैं और हर साल जो है ना वो OEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है ना वो हर साल आपको एप्लीकेशन अनाउंस करती हैं कि अभी कोरिया के लिए जो वैकेंसीज हो गई हैं, आप लोग अप्लाई करते हो. पहले तो होता था कि यार जिन्होंने अप्लाई किया उनका कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता था और उसके अंदर से जो सिलेक्टेड होते थे वो कोरिया आ जाते थे, क्योंकि कोरिया लोगों को कोरिया का इतना ज़्यादा पता नहीं था. लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तकरीबन 50,000 1,00,000 के करीब लोग अप्लाई करते हैं, उसके अंदर फिर कुरानदाजी होती है, कुरानदाजी के बाद लोग जो है ना वो कोरियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जो पास करते हैं एग्ज़ाम वो आते हैं 1,000 के करीब जो है ना कोरिया आते हैं. तो कोरिया आने के बाद अगेन उनकी जो मिनिमम सैलरी जब स्टार्ट होती है तो वो होती है तकरीबन आपकी 2,00,000 पाकिस्तानी. अगर आप किसी छोटी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 2,00,000 पाकिस्तानी से स्टार्ट होती है और आप 1,50,000 इजीली सेव कर सकते हो. सर मैं बात काट रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल कि वो जो 1,000 बंदे जिनकी कुरंदाजी होती है, ये आप स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं या ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो FSC जो मैट्रिक वगैरह पास करके उन्होंने बस अप्लाई किया हुआ है? एग्जैक्टली, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑफकोर्स उन अगर आपने मास्टर्स भी किया हो आप उस प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो जॉब होते हैं ज़्यादातर फैक्ट्रीज के अंदर,
आपको जो ऑटोमोटिव मोटिव उनकी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे जाके आप काम कर रहे होगे, या कोई यू नो कारीगर जो होते हैं फर्नीचर वगैरह का काम, उस टाइप के काम होते हैं, तो मे बी, और आप लोगों ने मास्टर्स किया है या MBA वगैरह किया है, तो मे बी यू विल नॉट लाइक टू अप्लाई फॉर दोज काइंड ऑफ जॉब्स। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ मुनी भाई, ये उनके लिए हैं जिन्हों जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं और जो जाना चाह रहे होते हैं सऊदी अरब या दुबई, उनका अल्टरनेटिव आई गेस के कोरिया इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। उन्हें चाहिए कि इस OEC का जो प्रोग्राम है कोरिया का, उसके लिए अप्लाई करें और उसके थ्रू आप जो है ना आ सकते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया में। लेकिन आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपको पास करना चाहिए कि मेन रिक्वायरमेंट। फिर आप कह रहे हैं कोरियन लैंग्वेज ही होगी और वो जो भी आपके FSC और मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं वो होंगे बस। एग्जैक्टली उसके अलावा आपको कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए होता, कोई बस ये है कि आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपने कोई फटे छडे तो नहीं किए हुए पाकिस्तान में, तो उसके अलावा बस आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आपको हट्टे कट्टे होने चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसे भी आपके नहीं लगते, आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपकी फ़्लाइट टिकट के भी आपको पैसे खुद से नहीं देने होते, वो भी ये लोग देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा सिस्टम है इनका कोरिया का। गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन आई थिंक। तो अब बात करते हैं स्किल्ड लेबर्स की, जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हो गए, बैचलर्स डिग्री हो गई, मास्टर्स डिग्री होगी, उनका क्या सीन है? के अंदर ये सीन है कि ऑफकोर्स आप मोस्टली अगर आप कोरिया में जॉब करना चाह रहे हो, वाइट कॉलर जॉब करना चाह रहे हो, तो आपको कोरियन लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कंपनीज है ना, अनलेस एंड अंटिल कंपनी सैमसंग या LG ना हो, जो छोटी कंपनीज हैं उसके अंदर लोगों को जो है ना बॉस को भी इंग्लिश वगैरह नहीं आ रही होती, तो आपको कोरियन लैंग्वेज लाजमी आना चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तान में हो तो उसके लिए आपको वाइट कॉलर जॉब लेना बहुत मुश्किल है कोरिया के लिए, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोरियन लोगों को नहीं पता होता, और वो लोग पाकिस्तान से उनको जो डिवेलपर्स वगैरह हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा हैं फॉरनर्स, तो वो इधर से ही ले लेते हैं। लेकिन स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई, तो उसका ये सीन है कि आप ज़्यादा क्रेगलिस्ट कोरिया के नाम से एक वेबसाइट है, उधर जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो, फिर जॉब कोरिया के नाम से एक वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप सर्च कर लो और स्टिल अप्लाई करो। हो सकता है कुछ ऐसी वैकेंसीज हों जहाँ पे आपको कोरियन रिक्वायरमेंट ना हो, या कुछ ऐसी जॉब्स हों जो जिनको पाकिस्तानी चाहिए हों, क्योंकि आजकल लोटे कंपनी है बहुत बड़ी कोरिया की, वो पाकिस्तान में उनकी फैक्ट्रीज आजकल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको लोग चाहिए होते हैं, मैनेजर्स वगैरह चाहिए होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हों और वहाँ पर उन कंपनीज में जाएँ। तो उस तरह के जो जॉब्स हैं वो इन वेबसाइट्स के ऊपर आप जाओ, सर्च करो, अप्लाई करो, ट्राई करो, किस्मत अच्छी हो तो यू कैन ऑलवेज गेट द जॉब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल ज़्यादा चांसेस बहुत कम हैं पाकिस्तानियों के लिए टू गेट अ वाइट कलर जॉब इन साउथ कोरिया। और अगर आप यहाँ आके डिग्री करते हो, लाइक आपने बैचलर्स किया पाकिस्तान से और फिर यहाँ आके आपने मास्टर्स किया, उसके बाद इनकी एजुकेशन लेने के बाद फिर क्या जॉब सिनेरियो होता है? फिर ढूंढने मुश्किल होती है या इजीली मिल जाती है? मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने कोरिया से मास्टर्स वगैरह कर लिया तो मेरे ख्याल में आपको जॉब लेना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मुझे तो मैं ऑलमोस्ट जॉबलेस रहा ही नहीं हूँ, हर दूसरे दिन मिल जाती थी ईजिली। और अगर आप लोग फुल टाइम जॉब और आपको नहीं मिल रही, तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स करना बहुत ईजी है। आप इवन ट्रांसलेशन की जॉब्स कर सकते हो यहाँ पे, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाके काम कर सकते हो, आप मार्केटिंग की जॉब कर सकते हो छोटी मोटी जो है ना, देर लाइक बहुत ज़्यादा जॉब है कोरिया के अंदर, आप मॉडलिंग की जॉब भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग की जॉब कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अगर आपको वाइट कॉलर किसी कंपनी में जॉब नहीं भी मिल रही, तो आप स्टिल डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब यू कैन अर्न अ रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आपने अगर कोरिया से मास्टर्स किया तो आई गेस आपको जॉब ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। परफेक्ट। अब इतनी तारीफें कर दी हैं माजिद भाई ने कोरिया की, मेरा दिल कर रहा है अपना बस्ता बांधूं यहाँ से, जर्मनी से डायरेक्ट कोरिया चलूं। वो कहते हैं कि बन के बिस्तर बोरिया सीधे चले कोरिया, तो ऑलवेज वेलकम, बोरिया बोरी बिस्तरा बांध लो आप और कम टू कोरिया। ये इनका बड़ा टिपिकल डायलॉग है, इनके व्लॉग्स में मैं सुनता रहता हूँ ये वाला डायलॉग। तो मुझे तो लग रहा है कि कोरियन गवर्नमेंट पैसे देती है माजिद भाई को प्रमोट करने के। खैर ऑफ कोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स हर जगह होती हैं, कोरिया गेन आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोरिया लाइक बहुत बेस्ट है। कुछ लोग हैं जो जिनको लैंग्वेज नहीं आ रही होती है, उनके लिए दोस्त बनाना कोरियंस के साथ घुलना मिलना काफ़ी टफ होता है, और अगेन कोरियंस रेसिस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे वो कहेंगे कि पाकिस्तानी या मिडिल ईस्टर्न अलाउ नहीं है, कुछ ऐसे बार्स होंगे जहाँ पे जैसे लाइक पाकिस्तानीज इंडियंस वगैरह अलाउ नहीं है, तो तब जाके अच्छा फील नहीं होता। लाइक आप कोरियन से बात करो तो वो लोग शाय होते हैं, वो आपको देख के एक तरह डर जाएंगे, यार ये क्या चीज़ आ गई है, तो उस वक्त थोड़ा सा यू नो बुरा भी फील होता। ठीक हो गया, तो माजिद भाई बहुत शुक्रिया, होपफुली आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आई होगी। तो जो लोग और यूरोप के अलावा बाकी ऑप्शंस भी अपने एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लाजमी साउथ कोरिया की तरफ देखें।
दूसरा माजिद भाई की वीडियोस भी देखें क्योंकि उनमें बहुत आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगेन माजिद भाई का बहुत शुक्रिया करूंगा और छोटे से पैगाम पे हम ये वाली वीडियो एंड करेंगे। कुछ जो भी सवाल होए आप कमेंट में मेंशन करना तो माजिद भाई को दोबारा पकड़ लेंगे हम, सही है? चलें श्योर गाइज, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका भाई यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछेगा और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर देम। परफेक्ट हो गया। चलें जी, साइनिंग आउट मेरी तरफ से भी, माजिद भाई की तरफ से भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।